हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट्स ऑफ फार्मा। टुडे द टॉपिक इज फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड से। इट इज़ ए टॉपिक ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल से, एंड मोर एक्यूरेटली इट इज़ ए टॉपिक ऑफ प्रीबायोटिक से। कमिंग टू इंट्रोडक्शन, द वर्ड फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड इटसेल्फ इंडिकेट इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स फ्रुक्टो एंड ओलिगोसैकेराइड से। एंड इफ वी रिकॉल, ओलिगोसैकेराइड इज समवॉट रिलेटेड विथ कार्बोहाइड्रेट से। एंड इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासीफाइड इन फोर मेजर क्लासेज विच आर मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड से। इन शॉर्ट, ओलिगोसैकेराइड्स मीन्स द कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट ऑफ 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट से। नाउ कमिंग टू फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स से, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट कंपोज ऑफ शॉर्ट चेन्स ऑफ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। इन एडिशन टू फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, द फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स ऑल्सो हैज ए ग्लूकोज यूनिट टिपिकली एट द बिगिनिंग ऑफ द चेन। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आर नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स। इट्स मीन्स ऑन इंजेशन द फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स ट्रेवल्स थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन विदाउट बींग ब्रोकन डाउन, एंड इवेंचुअली इट रीचेज द कोलोन वेयर दे आर फर्मेंटेड बाई द गट बैक्टीरिया। इन अनदर वर्ड, द फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द गट। दैट इज वाई द फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आर कैटेगराइज अंडर द कैटेगरी प्रीबायोटिक्स। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आर फाउंड इन ए नंबर ऑफ फूड मटेरियल। इट इज फाउंड इन गार्लिक, इन ओनियन, इट इज फाउंड इन व्हीट, राई एंड चिकोरी रूट। फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आर ऑल्सो फाउंड इन बनाना, राइस ब्रान, एप्पल, नेक्टेरीज, शुगर बेस, जेरूसलम एटीचोक्स एंड सीवीड्स। बट टूडे द फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आर यूज इन वेरियस फूड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग योगर्ट, बेक्ड गुड एंड द स्नैक्स बार टू प्रमोट द गट हेल्थ। सो नाउ टूडे द रिक्वायरमेंट इज टू प्रोड्यूस द फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स एट कॉमर्शियल स्केल। एट कॉमर्शियल स्केल, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाई टू मोर कॉमन मेथड। फर्स्ट वन इज द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एंड सेकेंड इज एंजाइमेटिक सिंथेसिस। कमिंग टू द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, हियर द फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट मटेरियल सच एज चिकोरी रूट हैविंग द बोटेनिकल नेम चिकोरियम इंटाइबस। इट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेरूसलम एटीचोक विच इज कॉमनली कॉल्ड सूरजमुखी सलजम। इट हैज द बोटेनिकल नेम हेलिएंथस ट्यूबेरोसस। फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओनियन एंड बनानाज, बट दिस मेथड हैज लिमिटेशन ऑफ सीजनल वेरिएशन एंड लो यील्ड। नाउ कमिंग टू द एंजाइमेटिक सिंथेसिस, हियर फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द एंजाइम बीटा फ्रुक्टो फ्रूनोसाइडेज टू कन्वर्ट शुगर इनटू फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। एंड दिस एंजाइमेटिक मेथड इज फेवर्ड बिकॉज इट प्रोवाइड ए मोर कंसिस्टेंट एंड हायर क्वालिटी ऑफ फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। नाउ कमिंग टू केमिकल फीचर ऑफ फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट
So here we will begin with their sweetness. Fructooligosaccharides are about 30 to 50% as sweet as sucrose. If we talk about its calorie value, the fructooligosaccharides provide about 1.5 kilocalorie per gram, which is lower than traditional sugar. So, the fructooligosaccharides are useful sugar substitute in formulation aimed at reducing calorie content. To be used as a sugar substituent, it has to fulfill certain criteria such as solubility. If we talk about the solubility of fructooligosaccharide, fructooligosaccharides are highly soluble in water. Similarly, heat stability, the fructooligosaccharide can withstand some heating, making it a suitable for heating process. If we talk about the pH stability, the fructooligosaccharides are generally stable under neutral and mild acidic condition, but can degrade under extreme acidic or alkaline condition at elevated temperature. If we talk about its chemistry, that is structure of monomer, as we know, fructooligosaccharides are composed mainly of fructose unit with a glucose unit typically at the beginning of chain. The general formula of fructooligosaccharides are CnH2n-1, where N represent the fructose unit. If we talk about the linkage between monomers, the fructooligosaccharides are linked through glycosidic bond. In case of fructooligosaccharide, the monomers are connected by beta-2-1 glycosidic bond. Here, beta indicates the orientation of bond and beta-2-1 glycosidic bonds mean the bond formed between second carbon atom of one fructose molecule and first carbon atom of the next fructose molecule. Now coming to the types of fructooligosaccharides. The first one is 1-ketose, which is represented as GF2. It means it consists of one glucose and two fructose unit. It is the simplest form of fructooligosaccharide and is often the most prevalent in natural sources. The second one is nystose, which is represented as GF3. It means it consists of one glucose unit and three fructose unit. This type is slightly longer than 1-ketose and can contribute to more pronounced prebiotic effect. The third one is mellitose, which is represented as GF4, means it consists of one glucose and four fructose unit. It is found in some plant sources and can serve as a food source for beneficial bacteria. The other are longer oligosaccharides. Now coming to the usage of fructooligosaccharides. The first one is prebiotic. Fructooligosaccharides are used as prebiotic to promote the growth of beneficial bacteria in the gut, which can help improve digestive health and boost the immune system. Today, the fructooligosaccharides are used in bakery and dairy product to improve texture, flavor, and nutritional value. Fructooligosaccharides are also used as low-calorie alternative to sucrose in various food products, making them suitable for people with diabetes or those looking to reduce sugar intake. Fructooligosaccharides are also helpful to improve bowel movement. If we talk about the probiotic food, the fructooligosaccharides are often combined with probiotics in food to improve the survival and activity of beneficial bacteria during storage and digestion.
This is all about today's topic. Hope you enjoyed the session. Soon we will meet with another topic.